हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो संडे का दिन है, द हिंदू न्यूज़पेपर देखेंगे। उससे पहले आज क्या क्या चीज़ें हम सीखने वाले हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ, छोटी सी झलकी है। तो आज मैप ऑफ द डे में हम देखेंगे फ्रांस का मैप, क्योंकि फ्रांस न्यूज़ में है ऑब्वियसली बात, इसीलिए मैं मैप उठा रहा हूँ। न्यूज़ आइटम्स देखेंगे, एडिटोरियल एनालिसिस देखेंगे। न्यूज़ आइटम्स कौन कौन से देखेंगे तो हम 11 न्यूज़ आइटम्स देखेंगे। एक तो हम एक आपको मैप दिखाएंगे साउथ अमेरिका का, पैटागोनिया रीजन, ये भी न्यूज़ में है इसलिए दिखाऊंगा। दो मैप हो जाएंगे। दूसरा है ये, फिर मिस वर्ल्ड 2024 का अनाउंसमेंट हुआ। सेमियोटिक्स क्या होता है, व्हाट इज़ दिस सेमियोटिक्स, ये बताऊंगा, ये वेबसाइट से उठाया है मैंने। देन इंडिया में क्यों जीनोमिक्स के लिए लीगल फ्रेमवर्क की आवश्यकता है, ये एडिटोरियल पार्ट का हिस्सा है। ओल्डेस्ट डेटेड केव पेंटिंग साउथ अमेरिका की देखेंगे। NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में जानेंगे। कैनल मैन ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। श्रीलंका और केरला टूरिज्म का कंपैरेटिव एनालिसिस देखेंगे। फ्रांस ने अबॉर्शन के ऊपर क्या रूल किया है उसके ऊपर देखेंगे। गवर्नमेंट AI एडवाइजरी के बारे में जानेंगे। एंड लास्ट है डोडा कैलेसेंद्रा लेक के बारे में जानेंगे। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट, इस ऑर्डर में नहीं जानेंगे लेकिन यही सारी न्यूज़ आइटम्स आज हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को सबसे पहले आज के मैप के साथ, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द मैप फर्स्ट, सबसे पहले तो मैप ही शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, दिस इज द मैप ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस का मैप है, ठीक है। एंड दिस इज द पार्ट फ्रांस। फ्रांस कौन कौन सी कंट्रीज को टच करता है, तो पहले तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक जैसे इधर आपको ऊपर बेल्जियम दिख रही होगी, यहाँ पे लग्जमबर्ग छोटी सी दिख रही होगी, जर्मनी दिख रहा होगा, देन यहाँ पे स्विट्जरलैंड दिख रहा होगा, इटली दिख रहा होगा, है ना। एंड यहाँ पे आपको स्पेन दिख रहा होगा, मोनाको है। ऑल दीज आर द पार्ट्स जो कि टच करता है आपका, कौन सा मतलब फ्रांस को टच करता है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस फर्स्ट। दूसरी चीज़ यहाँ पे फ्रांस में आप अगर देखें तो यहाँ पे आपको एल्प्स दिख रहा होगा, दिस इज द एल्प्स, है ना। जो यहाँ पे पिरिनीज दिख रहा होगा, पिरिनीज इज द पार्ट जो कि डिवाइड करता है, माउंटेन रेंजेस हैं ये, स्पेन को डिवाइड करते हैं आपके फ्रांस के बीच में, स्पेन वाले रीजन में पाए जाते हैं। देन यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट जगहें जैसे पेरिस कैपिटल हो गई, है ना, स्ट्रासबर्ग हो गया, लियोन हो गया, ये सब फ्रांस की ही फेमस जगहें हैं। वाटर बॉडीज में बात करें तो जो UK वाला पोर्शन है उसको डिवाइड करता है ये इंग्लिश चैनल, दिस इंग्लिश चैनल डिवाइड्स दिस UK फ्रॉम फ्रांस, है ना। UK को फ्रांस से डिवाइड करने वाला कौन सा है, इंग्लिश चैनल है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इसको 0° चैनल भी यहाँ पर है, देखो दिस इज द 0° चैनल विच इज देयर। अटलांटिक ओशन यहाँ पे टच करता है फ्रांस को, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। नीचे यहाँ पे आपका इटली वाला पोर्शन भी आएगा, है ना, दिस इज द इटली वाला पोर्शन जो कि इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है। ये तो रही मोटी मोटी बात जो मैप में हमको दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ पे जूरा माउंटेन्स दिख रहा है, दिस इज द जूरा माउंटेन, दिस इज द वोस्जीज माउंटेन। तो कुछ माउंटेन्स इंपॉर्टेंट अगर पूछेगा तो पूछेगा यही, एल्प्स पूछ सकता है, मैसिव सेंट्रल पूछ सकता है, पिरिनीज तो फ्रांस वाला और स्पेन मेजरली याद रखिएगा। फिर आपका देखो प्राइम मेरिडियन 0° जो है आपका प्राइम मेरिडियन वो भी पास करता है फ्रांस से, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 0° क्या फ्रांस से पास करता, यस इट पासेस टू द फ्रांस, है ना। और यहाँ पे मेन नदियों में सीन रिवर, SEINE सीन रिवर जो है वो मेजर रिवर है, है ना। देन नीचे यहाँ पे मैंने आपको बताया था मेडिटेरेनियन सी से टच करता ही करता है, तो ये वाला पार्ट भी हो गया मेडिटेरेनियन सी को टच करने वाला, तो फ्रांस मेडिटेरेनियन को डायरेक्ट टच करता है, यस करता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस पार्ट, है ना। बेल्जियम भी एक कंट्री जो कि टच करती है, बेल्जियम में ब्रुसेल्स आता है ना, जहाँ पे नेटो का हेडक्वार्टर है। तो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं। फ्रंट पेज से बड़ी खबर आ रही है कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं अरुण गोयल, उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो वर्तमान में केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर बचे हुए हैं ना। तो अब अगर हम बात करें तो वर्तमान में केवल और केवल आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही बच रहे हैं और कोई नहीं बच रहा। और इंपॉर्टेंट चीज ये भी आपको बता दूं कि जो अभी नया लॉ ऑलरेडी बन चुका है, तो यू ऑल नो दैट कि द न्यू लॉ हैज बीन मेड। लॉ क्या बोलता है कि अब जो है प्राइम मिनिस्टर प्लस उनके द्वारा अपॉइंट किया गया एक और मिनिस्टर, मतलब कि गवर्नमेंट के ही दो लोग रहेंगे, और प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन, मतलब कि लीडर ऑफ अपोजिशन ना होता होगा, लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है, वो तीन लोग की कमेटी बनेगी जो कि अब इलेक्शन कमीशन का चुनाव करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि अब जो है कि गवर्नमेंट का चुनाव भी होने वाला है लोकसभा का, और दो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो प्राइम मिनिस्टर खुद सेलेक्ट करेंगे। तो दैट इज वॉट द क्वेश्चन हैज बीन रेज्ड, और कई लोगों ने इस पर सवाल भी उठाया है कि क्या ये सही है, इज दिस द करेक्ट
करेक्ट वे. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, दिस थिंग. एंड जो नया लॉ पास हुआ था उसके बारे में मैंने आपको बता दी ऑलरेडी. एंड यहाँ पे जो इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने रिजाइन किया है. बाकी सारी चीज़ें जो इलेक्शन कमिश्नर की है वो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जैसे ही कर दी गई हैं, ठीक है ना. तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल भी कर दिया गया है ना. मतलब कि इम्पीचमेंट की पूरी जो प्रोसेस होती है वैसी होगी लगभग प्रोसेस, है ना. लेकिन जो बाकी के इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको रिमूव करने का तरीका वही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर कहेगा तो रिमूव किया जा सकता है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको बताना ज़रूरी है. आगे मूव करते हैं, एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में जानते हैं. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो न्यूज में था, क्यों न्यूज में था वो जानेंगे, है ना. तो लेट्स सी दैट एज वेल. लेट मी ओपन दैट अडोब मैंने खोला हुआ है, तो लेट मी ओपन इन दैट, है ना. तो यस, अडोब में क्या है, थोड़ा नोट्स जो है वो आपको प्रॉपर दिखने लगती हैं, बाकी में नोट्स नहीं दिखते, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, तो मैंने ऐड किए हैं नोट्स. देखो तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1986 में. और याद रखेगा एक एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया था. तो एक्ट कौन सा है, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट ऑफ 1985. तो एक 1985 का एक्ट है और उस एक्ट के बेसिस में 1986 में इसको बनाया गया था. ये एपेक्स कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है विच फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है. और इसके अलावा एक जैसे 2019 में एक ऑपरेशन ट्रांस चल रहा था. ऑपरेशन ट्रांस जो है वो इंटरनेशनल आपके कुरियर शिपमेंट्स ऐसे उसके लिए था कि जो कुरियर शिपमेंट्स या एक्सप्रेस मेल के थ्रू जो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स ट्रेवल करते हैं. तो जॉइंट इंटेलिजेंस गैदरिंग का ये ऑपरेशन था ऑपरेशन ट्रांस, ये भी याद रखेगा, ठीक है ना. एंड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का आप याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 847 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. अगर आर्टिकल 47 आप पढ़ेंगे तो ये कहता है स्टेट को कि स्टेट शुड एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑन द कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल यूज, है ना. तो ड्रग्स का जो इंजूरियस टू हेल्थ है उनका प्रोहिबिशन या इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स का प्रोहिबिशन मना करता है आर्टिकल 47 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि DPSP के अंतर्गत आता है. तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के फॉर्मेशन को जस्टिफाई करेगा, तो आर्टिकल 47 है. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. एंड द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ फंड टू बी कॉल्ड द नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग्स अब्यूज, ठीक है ना. तो एक फंड बनाया जाएगा जिसको कहते हैं नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज टू मीट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट कनेक्शन विद द मेजर्स टेकन, है ना. तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. एंड नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग्स भी बनाया जाएगा जो कि इस अब्यूज को खत्म करने की कोशिश करता है. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. तो ये तो कुछ बातें थी एनसीबी के बारे में, जो स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, ये सारी चीजें हमने देख लिया, है ना. केरला द टॉप इंडियन स्टेट इन इशूइंग पासपोर्ट्स टू द वुमेन, है ना. तो वुमेन के लिए पासपोर्ट बनाने वाला सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा पासपोर्ट बनाने वाला राज्य जो है वो केरला है. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. देखो आप देख सकते हैं, अगर आप देखें कि स्टेट्स विद हाईएस्ट नंबर ऑफ पासपोर्ट होल्डर्स टिल 2023 फीमेल के लिए अगर हम बात करें तो रेड यानी केरला सबसे ऊपर है, है ना. याद रखिएगा केरला इज नंबर वन. लैक्स में आता है तो 42 लाख के आसपास वुमेन का है. देन दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र आता है, दिस इज द महाराष्ट्र. देन आपका यहाँ पे तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर पंजाब है, पांचवें नंबर पे गुजरात है, देन कर्नाटका है, देन उत्तर प्रदेश है. दिस इज द फिगर, दिस इज द रैंकिंग, ठीक है. तो आप देख सकते हैं, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. तो हाईएस्ट नंबर ऑफ पासपोर्ट फॉर द वुमेन जो बना है वो यही इन्हीं के द्वारा केरला के द्वारा बनाया गया, ठीक है. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज. एक मोटा मोटा आंकड़ा पता होना चाहिए, है ना, कि डिस्क्रिमिनेशन या कहना चाहिए जो अगर कभी लिखने के लिए आता है आपको तो आप ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है. एजुकेशन से को रिलेट करके, है ना, वुमेन के लिए कि जैसे केरला का एजुकेशन रेट भी काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ से कुछ रिलेट करते हुए आप बना सकते हैं, ठीक है. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लेट्स मूव अहेड दिस पार्ट, है ना. तो यहाँ पे क्रिस्टीना क्रिस्टीना पिस्कोवा चेक रिपब्लिक की, शी बिकेम द मिस वर्ल्ड. याद रखेगा क्रिस्टीना पिस्कोवा बिकेम द मिस वर्ल्ड. और याद रखेगा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये इवेंट इस बार भारत में हो रहा है. इंडिया इज होस्टिंग दिस इवेंट आफ्टर 28 ईयर्स. तो 28 सालों के बाद ये इवेंट इंडिया में हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना. लेबनान की यास्मीना जैतून जो है शी वॉज द रनर अप, फर्स्ट रनर रही हैं लेबनान की. और इंडिया की जो एंट्री थी, इंडिया की तरफ से जो एंट्री थी वो सिनी शेट्टी की थी. सिनी
रोहिणी शेट्टी वॉज द एंट्री फ्रॉम इंडिया, बट टॉप फोर में शी वॉज नॉट एबल टू मेक इन टू द टॉप फोर, नो वरीज ऑफ दैट. इंडिया ऑलरेडी 6 बार ये टाइटल जीत चुका है, इंडिया हैज ऑलरेडी वॉन 6 टाइम दिस टाइटल, और ये सबसे पहली बार जीता था रीता फारिया ने 1966 में, ऐश्वर्या राय बच्चन ने 1994 में, डायना हेडन ने 1997, एंड इसके अलावा युक्ता मुखी ने 1999, प्रियंका चोपड़ा ने 2000 में और मानुषी चिल्लर ने 2017 में. ठीक है ना, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी याद रखिएगा, दिस दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज, है ना. अब क्या है, आगे मूव करते हैं अगली न्यूज़ की तरफ. ये जरूर याद रखना, लिस्ट भी याद रखना, नाम भी याद रखना, ऑर्डर भी याद रखना. कैनल मैन पिक्स अप हिज शायल अगेन, तो यहाँ पे कैनल मैन का नाम जरूर याद रखिए, बिहार से हैं ये, इनका नाम है लॉन्गी भुइया, नोन एज द कैनल मैन, इज नाउ सिंगल हैंडेडली डिगिंग अ सेकेंड कैनल ऑफ 5 किलोमीटर सो दैट रेन वाटर कैस्केडिंग डाउन इन द बांगीठा हिल्स इन बिहार कैन बी डाइवर्टेड टू द फील्ड्स फॉर द फार्मिंग. तो बांगीठा हिल्स भी याद रखना, है ना. दो तीन चीज़ें जो इसमें आई हैं वो याद रखिएगा आप लोग. पहली तो आपको याद रखना है कि बांगीठा हिल्स के बारे में, दूसरा आपको याद रखना है आपको बिहार में ही है बांगीठा हिल्स, और कैनल मैन का नाम लॉन्गी भुइया. तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस नेम एज वेल, ये नाम याद रखिएगा, कैनल मैन कहा जाता है, लॉन्गी भुइया है और बांगीठा हिल्स है. तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी. ठीक है, आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है. लचित बोरफुकान जी, अच्छा ये तो मैंने आपको बताया भी नहीं था कि लचित बोरफुकान जी के बारे में भी देखेंगे. ओके, सो नो वरीज अबाउट दैट, लेट्स सी अबाउट लचित बोरफुकान. लचित बोरफुकान जी का जन्म 1622 यानी 1622 में हुआ था, याद रखिएगा 1622 में हुआ था. अभी हाल फिलहाल में इनके 2022 में क्या हुआ था, इसकी 400वीं एनिवर्सरी हुई थी, 400th एनिवर्सरी हुई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. और इन्होंने बैटल ऑफ सराई घाट लड़ा था, बहुत फेमस बैटल है, देयर इज अ फेमस बैटल ऑफ देखो मैं लिख देता हूं यहां पे, चलो बैटल ऑफ सराई घाट, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू, सराई घाट, है ना, सराई घाट जो बैटल है वो लड़ा था इन्होंने. और याद रखिएगा मुगल फोर्सेस से लड़ा था, अहोम एम्पायर की तरफ से थे ये, ही वॉज फ्रॉम द अहोम किंगडम, अहोम एम्पायर की तरफ के थे, है ना. एंड इनको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके मिलिट्री जनरल भी थे, एंड इनका हीरोइज्म काफ़ी ज़्यादा मतलब माना जाता है. अहोम किंगडम के बारे में अगर आपको बताऊँ तो अहोम किंगडम का फॉर्मेशन 1228 में 1228 में हुआ था, 1228 AD में अहोम किंगडम बना था असम ब्रह्मपुत्र वैली में. एंड यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि सॉवरेंटी से 600 सालों तक उन्होंने रूल किया था, एंड इनका रूल तब तक था जब तक ब्रिटिशर्स ने 1826 में इसको एनेक्स नहीं कर लिया था, और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ यांडाबू, बर्मा के साथ ट्रीटी ऑफ यांडाबू साइन की गई थी. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप याद रख सकते हैं. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. बैटल ऑफ सराईघाट मैंने आपको ऑलरेडी बताया दिया है. सुकफा इनके फाउंडर थे ना, सुकफा इनका, आई डोंट थिंक आई हैव रिटन द नेम, तो इनका जो, हाँ, चाओलुंग सुकफा, लेट मी राइट डाउन, तो यहां पे मैं आपको लिख के बताता हूं, चाओलुंग सुकफा. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप यू गॉट क्लैरिटी. आगे मूव करते हैं, लंकास टूरिज्म सर्ज क्लैरियन कॉल फॉर केरला. तो यहाँ पे ऑथर ने बताया कि जो ईस्टर डे बॉम्बिंग्स, ईस्टर डे शूटिंग हुई थी केरला में, उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद सॉरी श्रीलंका में हुई थी ये, तो उसके बाद हुआ क्या, वहाँ का टूरिज्म जो था वो बहुत डिक्रीज हो गया था, बट अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. और यहाँ पे ऑथर ने वही कहा कि जब लंका में टूरिज्म ज़्यादा होता है तो केरला में कम होता है, जब केरला ज्यादा होता है तो लंका में कम होता है, क्योंकि दोनों अगल बगल हैं और दोनों में लगभग सेम टाइप ऑफ टोपोग्राफी आपको देखने को मिलती है. तो वही ऑथर ने यहां बताया कि इंडिया को केरला को और ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, है ना, दैट इज द थिंग. देन अब हम आते हैं डोड्डा कलासेंड्रा लेक जो कि बेंगलुरु में है, तो उसके बारे में देखते हैं. नाउ ये जो है ये डाइंग एक तरीके से लेक है, ड्राइंग लेक भी है, डाइंग लेक भी आप बोल सकते हैं. तो अब ड्राइंग लेक मतलब सूखती जा रही है. तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी काफ़ी पूछ रहा है पिछले 2-3 साल से, कौन सी सिमट रही है, कौन सी सिकुड़ रही है, कौन सी ड्राई हो रही है. तो डोड्डा कलासेंड्रा जो है ये कहाँ पर है, बेंगलुरु में है. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. अब दिक्कत क्या होती है, जो वाइल्ड लाइफ इस पर डिपेंडेंट है, जो क्रिटिक वाइल्ड लाइफ इस पर डिपेंडेंट है, उसके लिए दिक्कत होती है, बाकी के लिए दिक्कत तो नहीं होती है ना.
वॉट हैज फ्रांस रूल्ड ऑन अबॉर्शन राइट्स, फ्रांस ने अबॉर्शन राइट्स में क्या रूल कर दिया है, रूलिंग की है, वो देख लेते हैं। तो ये बहुत पहली बात है, ये पहली बार किसी कंट्री ने किया है। फ्रांस हैज इंस्क्राइब्ड द गारंटीड राइट टू अबॉर्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन मार्च 8 मार्च को, यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो था वहां पर फ्रांस ने कहा कि देर इज अ गारंटीड राइट टू अबॉर्शन नाउ, है ना। तो इट्स अ पावरफुल मैसेज ऑफ सॉलिडैरिटी विद द वुमेन्स राइट ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे। जस्टिस मिनिस्टर जो थे एरिक डुपोंट मोरेटी, उन्होंने कहा कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर द फ्रीडम ऑफ वुमेन, जहां पे उनको पूरी बॉडीली इंटीग्रिटी उनको दी जा रही है और पूरे उनके राइट्स उनको दिए जा रहे हैं। एंड ये तब आ रहा है जब ऑलरेडी यूएस में उल्टा भाग रहे हैं। यूएस में याद है ना, रो वर्सेस वेड का जजमेंट ओवरटर्न कर दिया गया है। तो रो वर्सेस वेड में वो राइट जो दिए गए थे वुमेन को, वो छीन लिए गए थे अभी रिसेंटली। यार फिलहाल में अगर आपको याद हो तो आई थिंक 2022 में रो वर्सेस वेड का जो जजमेंट था एबॉर्शन राइट से रिलेटेड है यूएसए का। तो यहाँ पे यूएसए में क्या है कि वुमेन से वो अधिकार छीन करके वहाँ पे गवर्नमेंट के पास चला गया है। द पावर हैज नाउ बीन गिवन टू द गवर्नमेंट। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि यूएसए में हो रही है और यहाँ पे फ्रांस ने क्या किया, उल्टा पूरा दे दिया। अब एक बात, क्या ये पहले टाइप का प्रेसिडेंट है, इज दिस द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड? तो फ्रांस इज द ओनली कंट्री टू करंटली हैव सच अ स्पेसिफिकेशन अबाउट अबॉर्शन। याद रखिएगा, फ्रांस एकमात्र कंट्री है बाकी वर्ल्ड में जिसके पास, जिसमें इतना स्पेसिफिक अबॉर्शन फ्रीडम या राइट दिया गया हो। तो दिस इज द यस फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ दैट। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग फ्रांस। अभी गवर्नमेंट ने भी एआई के ऊपर एडवाइजरी रिलीज की है ना, 1 मार्च को ही। एंड यहाँ पे उन्होंने कहा है कि भैया अगर आप अंडर टेस्टेड एआई का यूज़ करते हो तो यू विल नीड टू हैव द गवर्नमेंट परमिशन, है ना। तो गवर्नमेंट की परमिशन आपको तब लेनी पड़ेगी अगर आप अंडर टेस्टेड एआई मॉडल्स का यूज़ कर रहे हो तो, है ना। और ऑब्वियसली बात है, इंडस्ट्री जो लग रहा है, इंडस्ट्री को लग रहा है कि ये भाई इनोवेशन के ऊपर ये हिंड्रेंस है। मतलब कि ऑब्वियसली बात है, कोई भी चीज़ फुल्ली टेस्टेड होकर के तो नहीं आ सकते। आप ये तो नहीं बोल सकते नहीं ये फुल्ली टेस्टेड है, हर चीज सही करेगी। आपको रिलीज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इश्यूज मिलेंगे तो आप उसको सही करोगे। बट दैट इज द एडवाइजरी जिसको आप याद रख सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत इलैबोरेट नहीं किया कि क्या पनिशमेंट होगी या क्या चीजें होंगी, बट दे हैव गिवन दिस की हाँ, अगर अंडर टेस्टेड है तो आप उसको इस तरीके से पूरा पब्लिक यूज़ के लिए नहीं कर सकते हो। एक हालांकि एक और डिमांड उन्होंने की थी कि भैया एक कुछ अगर कोई एआई जनरेटेड फोटो है या एआई जनरेटेड वीडियो है तो उसमें कुछ वाटरमार्क टाइप की चीज़ होनी चाहिए। अमेजॉन वेब सर्विसेज ने वाटरमार्क, इनविजिबल वाटरमार्क इसमें ट्राई किया था, लेकिन हालांकि अमेजॉन वेब सर्विसेज यानी कि AWS का ये कहना है कि भाई कोई भी वाटरमार्क है उसको बहुत ईजिली एडिट किया जा सकता है, दैट कैन बी एडिटेड फेयरली ईजिली, है ना। कई एआई टूल्स तो ऐसे भी हैं जो एआई की जनरेटेड उसमें से वो हटाते हैं, वाटरमार्क हटाते हैं। तो अब आप कैसे फिर डिटरमाइन करोगे, तो दैट इज द बिग क्वेश्चन। वाई इंडिया अर्जेंटली नीड्स अ लीगल फ्रेमवर्क ऑफ जीनोमिक्स। ऑथर ने कहा है कि इंडिया को एक लीगल मतलब बाय लॉ जीनोमिक्स का एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा जीनोमिक्स के रिलेटेड। क्यों? सबसे पहले ऑथर ने कहा कि 2009 में हमने पहला जीनोम जो था वो सीक्वेंस किया था, 2019 तक हमने 1000 जीनोम सीक्वेंस कर लिए। अभी कुछ दिनों पहले की न्यूज़ आपको याद होगी, मैंने अब आपको बताया था कि 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट जो है, जो इंडिया जीनोम प्रोजेक्ट है वो कर दिया है। तो 10,000 जीनोम का, अब देखो ऑथर ने 2-3 इशूज़ उठाए, वो मैं आके करके आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी न्यूज आर्टिकल है ये। सबसे पहला जो इशू ऑथर ने उठाया वो है डेटा प्राइवेसी का, डेटा प्राइवेसी या डेटा प्रोटेक्शन, आप दो इशूज मान सकते हैं। तो प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन, दीज आर द फर्स्ट, क्योंकि आप देखो कोई भी धीरे धीरे प्राइवेट कंपनीज बहुत सारी करने लगेंगी डेटा सिक्वेंसिंग और ये सब जेनेटिक डेटा, तो दैट कैन बी द फर्स्ट थिंग कि इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसलिए लॉ जरूरी है। दूसरा जो इश्यू ऑथर ने वही कहा है कि जेनेटिक फ्रैगमेंटेशन जो हो रहा है, फ्रैगमेंटेशन मतलब कि एक मुंबई में कोई कंपनी कर रही है, कोई दिल्ली में कर रही है, तो जो जो मतलब इसका रिजल्ट है, जो डेटा है वो सिलोज मतलब अलग अलग बहुत जगहों पे सेव हो जाएगा, है ना। तो इसलिए भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ऐसा ना हो कि कोई एक जगह से लीकेज हो। देन ऑथर ने तीसरा पॉइंट उठाया कि डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड अपॉन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ना हो, है ना। क्या होता है कई बार जैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अगर आपकी मिल गई कि आपको पता चला कि कोई ऐसे जेनेटिक बीमारी है ये, तो हो सकता है इंश्योरेंस सर्विसेज आपको ना प्रोवाइड करें, है ना, इंश्योरेंस वाले। तो एक तरीके से जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना कि जेनेटिक के बेसिस में आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो वो जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन ना हो इस कारण से भी लॉ जरूरी है, क्योंकि उसमें लिखा आना चाहिए। देखो इसीलिए ऑथर ने यूएस का एग्जांपल दिया कि यूएस ने ऑलरेडी फॉर्मुलेट किया हुआ है जेनेटिक इंफॉर्मेशन नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्ट, जो कि 2008 में उन्होंने कर लिया था, एंड दिस प्रिवेंट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड अपॉन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो यूएस ने 2008 में जेनेटिक इंफॉर्मेशन नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्ट पास किया था, जो कि
की डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है बेस्ड अपॉन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ऑथर ने लास्ट जो इशू उठाया वो ये है कि एथिकल यूज होना चाहिए, देयर शुड बी एथिकल एविडेंस बेस्ड यूज ऑफ द जीनोमिक्स, है ना। जीनोमिक्स का यूज ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे कहीं हो रहा है, इट शुड बी एथिकल मोरल एंड एविडेंस बेस्ड। तो इन सारे इश्यूज को देखते हुए ऑथर ने कहा है कि भैया एक लॉ बनाना चाहिए और इसके अंतर्गत इसको रेगुलेट करना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इंडिया टू गेन हायर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम FTA पैक्ट विद EFTA। EFTA मैंने ऑलरेडी आपको बताया चार कंट्रीज का ग्रुप है। वो चार कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो वो हैं स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, लिचस्टीन। ये चार कंट्रीज है EFTA और इनके साथ इंडिया ने साइन किया TEPA यानी कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कल का जो न्यूज एनालिसिस था उसमें मैंने सारी चीजें बताई हुई है, तो आप याद रखिएगा इंडिया को बहुत बेनिफिट होने वाला है और इन कंट्रीज को भी बेनिफिट होने वाला है क्योंकि इनको तो ऑब्वियसली पता है मार्केट मिल रहा है ना। इंडिया को ये नहीं भूलना चाहिए कि इन कंट्रीज के साथ $18 बिलियन के आसपास का मतलब ट्रेड डेफिसिट भी है, तो इंडिया को वो कवर करने की जरूरत है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें तो हमने कर ली है। नाउ वी कैन मूव फ्रॉम दिस टू द टेम्स आईएस वेबसाइट, जहां पर हम देखेंगे कि कुछ और अगर न्यूज आइटम बचे हुए हैं तो वी विल बी कवरिंग दैट एज वेल, है ना। तो यहाँ पे जो टेम्स आईएस की वेबसाइट है वहां पे हम चलते हैं और मैंने नोट्स ऑलरेडी उसमें ऐड किए हैं, लेकिन अभी आज के जो न्यूज पेपर का जो हार्ड कॉपी आई है उसका नोट्स नहीं है, लेकिन जो मैं रात में पढ़ता हूँ, रात में जो कुछ चीजें हिंदू के पेपर में नहीं आती हैं वो सारी चीजें भी मैं लिख देता हूँ, है ना। तो जैसे आपका नॉलेज बेस और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं 10th मार्च 2024 लिखा हुआ है, सो लेट्स गो टू दैट पेज और यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक प्रिंसेस के बारे में न्यूज आई थी, वो प्रिंसेस की खबर मैं आपको बता देता हूँ पहले, तो वो नहीं लिखी हुई है ना। बहुत ही प्यारी न्यूज आर्टिकल था, फ्रॉम ऑटोमन प्रिंसेस टू हैदराबादी चैंपियन प्रिंसेस दुरुशेहवर। याद रखिएगा प्रिंसेस दुरुशेहवर के बारे में न्यूज़ आई थी। अब देखो ये न्यूज़ आपको कोई नहीं बताएगा ना, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल जो कि अब ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ लेगा तो अब क्या ही करेंगे ना। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ दुरुशेहवर के बारे में। सो दिस इज बेसिकली एक प्रिंसेस दुरुशेहवर थी, शी वॉज फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर। एंड ऑटोमन एम्पायर हुआ क्या कि 1924 में जब ये आपका पूरा ऑटोमन एम्पायर बंद हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो इनकी रॉयल्टी खत्म कर दी गई। रॉयल्टी खत्म कर दी गई तो ऑटोमन कैलिफेट से इनको भगा दिया गया। जब भगाया गया 1931 में इनकी शादी कर दी गई, किससे? आजम जाह से। आजम जाह कौन थे? ये उस समय के जो निज़ाम थे हैदराबाद के, मीर उस्मान अली खान उनके बेटे थे, है ना। याद रखिएगा आजम जाह इनको बोलते थे। एंड इसके अलावा आपको और बता दूं कि जो प्रिंसेस थी वो यहाँ पर आई, इन्होंने इंडिया के कल्चर को अपनाया, उर्दू सीखी एंड शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ एज हैदराबादी एंड दुरुशेहवर। याद रखिएगा प्रिंसेस दुरुशेहवर। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी खोले इन्होंने वुमेन के लिए, गर्ल्स के लिए। एंड यहाँ पे एक समय कंसेप्ट चलता था जनाना और मर्दाना का, मतलब कि कहीं पे औरतें जाएंगी कहीं पे केवल मेल जाएंगे, तो प्रिंसेस ने ये फिलॉसफी जनाना मर्दाना की खत्म की और दोनों कपल्स को इनवाइट करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। एंड शी इज दुरुशेहवर, नाम याद रखेगा, आई होप यू विल रिमेम्बर दैट। क्रिस्टीना पिस्कोवा का न्यूज़ मैंने ऑलरेडी बता दिया है। रनर अप यास्मीना जैतून लेबनान की, ये भी बता दिया गया। वेन्यू था इस बार मुंबई इंडिया, और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। होप यू गॉट क्लैरिटी। सिमियोटिक्स के बारे में आपको बता दूँ, सिमियोटिक्स द स्टडी ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स। सिमियोटिक्स क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रख सकते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स एंड हाउ डू वी यूज देम टू कम्युनिकेट, है ना। किस तरीके से हम कम्युनिकेट करने के लिए साइंस एंड सिम्बल्स का यूज करते हैं, किस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से हम दूसरी मीनिंग समझते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। सिमियोटिक्स के कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे साइंस आर एवरीवेयर। सिमियोटिक्स ये कहता है कि भैया ट्रैफिक साइंस से लेकर के रिटन लैंग्वेज तक, जेस्चर्स, फैशन चॉइसेस, हर जगह साइंस है। मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, एक ही साइन के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए, है ना। रेड रोज कहीं पे लव होता है तो कहीं पे डेंजर या सीक्रेसी को भी डिटरमाइन कर सकता है। कंटेक्स्ट क्रूशियल होता है, मतलब कंटेक्स्ट के बिना आप उसका मीनिंग नहीं बता सकते, और इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स फील्ड, इसलिए सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, है ना। तो याद रखिएगा दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। ओल्डेस्ट डेटेड केव पेंटिंग ऑफ साउथ अमेरिका फाउंड, तो आर्कियोलॉजिस्ट को अर्जेंटीना और चिली में, याद रखिएगा जो लोकेशन है वो जरूर है, अर्जेंटीना और चिली में केव पेंटिंग्स मिले हैं सबसे ओल्डेस्ट साउथ अमेरिका के, ठीक है ना। साउथ अमेरिका के सबसे ओल्डेस्ट हैं ये। और यहाँ पे केव याद रखिएगा ह्यूनल केव वन, ह्यूनल वन, ये मैं लिख देता हूँ ह्यूनल
ह्यूनल वन केव, ये अर्जेंटीना जो पैटागोनिया डेजर्ट वाला रीजन है ना वहां पर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आई होप यू विल रिमेम्बर दिस। ये रहा अर्जेंटीना का आपका मैप, आप देख सकते हैं दिस इज द अर्जेंटीना। पैम्पास जो है वो अर्जेंटीना में ही लाई करता है, ये देखो ये पैम्पास है ना, ये अर्जेंटीना है ना। दिस इज द डेजर्ट वाला पोर्शन जो आपका चिली और उसमें आता है, तो ये पैटागोनिया है, दिस इज द पैटागोनिया है ना। तो पैटागोनिया इज एक्चुअली द डेजर्ट जो कि आपका कहाँ लाई करता है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, तो दिट लाइज देयर ओनली। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स, समझ में आ गया होगा। दैट इज इट फॉर द डे, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।